टाटा पावर आखिर कब तक अजमेर के लोगों को करेगा परेशान। देर रात भी एक एक घंटे के लिए बत्ती हो जाती है गुल। लोगों में टाटा पावर के लिए भारी रोष। कल रात भी जॉन्सगंज में बत्ती हुई गुल। जब से बिजली विभाग का निजीकरण कर टाटा पावर के हाथ में बिजली की व्यवस्था की कमान सौंपी गई है, तब से अजमेर के लोग बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। चाहे वह बिजली के बिल में खपत से ज्यादा बिल की बढ़ोतरी को लेकर हो या फिर दो दो तीन तीन घंटे बिजली गुल होने की बात हो। हॉराइजन न्यूज द्वारा कुछ दिनों पहले भी ये खबर चलाई गई थी, जिसमें टाटा पावर द्वारा आए दिन अजमेर में कई क्षेत्रों में दो दो तीन तीन घंटे के लिए बत्तियां गुल हो जाती है। जब लोग परेशान होते हैं तो टाटा पावर के टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं, ये सोचकर कि वहां पर कोई ना कोई फोन को उठाएगा और हमारे क्षेत्र की समस्या उनको बताएंगे, लेकिन वहां पर भी कोई भी कॉल का जवाब नहीं देता है। एक बार फिर बत्ती गुल होने का मामला सामने आया है। ये मामला है जॉन्सगंज का, जहां पर कल देर रात कई घंटों के लिए बिजली गुल हो गई। बिजली भी ऐसे समय पर गुल हुई जब लोगों के घरों में खाना बन रहा था। सुनिए हॉराइजन इन न्यूज से बात करते हुए लोगों ने टाटा पावर के प्रति अपना रोष किस प्रकार व्यक्त किया। टाटा पावर वालों से। अच्छा, अभी किस तरह से रोटी बना रहे हो? ये मोबाइल की टॉर्च जला के, जो दिख भी नहीं रही है रोटी कच्ची है या पक्की है। जल भी रही है क्या? जल भी रही है। हमारे से बहुत परेशान कर रखा है लाइट ने, बार बार कम से कम ये देख लो 8 से 10 बार लाइट चले गई। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से ये लाइट वाले और परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी। अभी किस तरह से काम कर रहा हूँ? अभी हम मोबाइल की टॉर्च चला करके काम कर रहे हैं, भुजिया बना रहे हैं।